तुम क्यों नहीं इंद्र के साथ शेयर करना? लो अच्छा ही नहीं मेरे क्या होता है लोग ऐसे ही हैं आ गए मजा आया तुम सब बातें सुन के मेरा बहुत पुराना आ गए घूम फिर के अरे बेटा तुम लोग कहाँ चले गए थे इसको बेचारी को अकेला छोड़ रहने थे पापा जान अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है ना अब मेरी क्या वक्त नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस इधर ही बाहर घूमने फिरने गए थे देखा पापा जान क्या ये दोनों मुझे नहीं लेके जा सकते अपने साथ हाँ वैसे शहीर मायरा को साथ ले जाने का सोचा जा सकता था बड़ी बुरी बात है मुनीब जब पहले आई थी कुछ सारी जगह थोड़ी देखी थी इसने इतनी सारी जगह पड़ी है वो दिखाओ ना इसे सुन आंटी मसला ये है कि अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता तो जहां मैं नहीं जा सकता वहां मुनीब इसे ले जाएगा आपके बगैर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी हाँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती है ये आंटी अपने पैरों पे चलकर जाएगी और किस तरह जाएगी भाई लिस्ट बनाओ उन्हें मेरी मायरा को तुमने बोर नहीं होने देना अरे आप मजाक ना करें आपको पता है ना मैं इस तरह नहीं जाऊंगी आप लोग परेशान ना हो ये ऐसे ही कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो मुझे बुरा लगेगा इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है शहीर यहाँ के तुम मेरी वजह से घर में बंद रहो क्या मुझे अच्छा लगेगा शहीर मैं पूरा शहर देख चुकी हूँ मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा करते हैं कि नादरा चली जाएंगे तुम्हारे साथ मैं शहीर के साथ रुक जाऊंगा नहीं 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 आप इनके साथ चले जाएं मैं शहीर के पास रुकूंगी ना इसकी देखभाल भी तो करनी है तुम जा रही हो मैं जाऊं चलो मैं चले जाऊंगा लग रहा है मेरी वजह से आप लोगों को काफी मुश्किल हो रही है अंकल नहीं यार कोई ऐसी मुश्किल नहीं है बात यह कि तुम्हें पता है कि बुढ़ापे में हमारे घुटनों में दर्द बहुत रहता है ये जोर दे रही है तो बहरहाल जाना पड़ेगा वही मैं चला जाऊंगा ठीक है देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों अकेले क्यों नहीं जा सकते क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम है मुझे मैं जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ वरना नहीं जाऊंगी लगता है नाराज होगी मैं देखता हूँ मनाता हूँ जाके मुनीब तुम जरा मेरे साथ आओ